नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कितने परसेंटाइल के ऊपर आपको एनआईटीज कॉलेज मिलेगी और कौन कौन सी ब्रांच उसमें मिलेगी आपको। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो बात करते हैं कि जो टॉप एनआईटीज कॉलेज के बारे में, जो एनआईटी त्रिची, इलाहाबाद, राउरकेला, कुरुक्षेत्र, जयपुर और नागपुर, ये जो टॉप एनआईटीज कॉलेज है दोस्तों। तो इसमें अगर सीएच ब्रांच की बात करें इसमें, तो सीएच ब्रांच के लिए आपको 97% से ऊपर आप लाते हो जनरल में तो आपको ये सारी कॉलेजें आपको मिल जाएगी और इसमें भी आपको सीएच ब्रांच मिल जाएगी दोस्तों। तो 99.95%, 100%, 98, 97, 96, 95, अगर आपका परसेंटाइल है, अगर 96 और 95% है दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपको इसमें सीएच ब्रांच मिल सकती है दोस्तों। कन्फर्म नहीं मिल पाएगी ये कह नहीं सकते। अब एनआईटी में जो सीएच ब्रांच है वो आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है, अगर आपके परसेंटाइल इतने हो तो। अब बात करें परसेंटाइल में, अगर 95 से 100% के बीच में, अगर 95 से 100% के बीच में अगर आपके परसेंटेज है तो उनको आईआईटी कॉलेज तो मिली। अगर आप एडवांस में अच्छा कर देते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगी और 90 से 95 वालों के, और सभी अगर आप एडवांस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एनआईटीज की बात करें तो यहाँ पे अगर 95 से 100% के अगर आपके बीच में परसेंटाइल आते हैं तो एनआईटी तो आपकी फिक्स होती है दोस्तों, ठीक है। जो एनआईटी होती है वो आपकी फिक्स हो जाएगी 95 से 100% के बीच में, और 90 से 95% के बीच में भी एनआईटी फिक्स हो जाएगी। और इसमें जो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 90 से 95 के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो एनआईटी में तो सीएस ब्रांच आपको मिल सकती है दोस्तों, अगर 97 से ऊपर है तो जनरल को कंफर्म मिल जाएगी। अब बात करें कंप्यूटर साइंस के बारे में तो जनरल कैटेगरी में 97 से ऊपर होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 96% होने चाहिए और एससी की बात करें तो 92% होने चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जनरल में इन वाले अगर आ जाए 97% और 96 ओबीसी और एससी 92, तो आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी आपकी मनपसंद कॉलेज में। एनआईटी त्रिची में भी मिल जाएगी, इलाहाबाद मिल जाएगी, राउरकेला मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र मिल जाएगी, जयपुर और नागपुर भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप सीएस ब्रांच में भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी में, अगर बच्चों आपके 80 जो परसेंटाइल हैं, 80% प्लस आ जाते हैं तो आपकी कॉलेज तो फिक्स होगी होगी, ठीक है। कॉलेज तो आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी। इसमें बात करें तो 95 से 100% के बीच में जनरल में अगर 97% है तो सी एस ब्रांच फिक्स हो जाएगी। 90 से 95 के बीच में बात करें तो सी एस नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। वो तो इनको कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ब्रांच, और ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और ये ब्रांच आपको इन त्रिची, इलाहाबाद, राउरकेला, कुरुक्षेत्र, जयपुर, नागपुर की कॉलेजों में मिल जाएगी अगर आपके 90 से 95% आ जाए तो। अगर 85 से 90 के परसेंटाइल के बीच में आ जाए, अगर 85 से 90% के बीच में आ जाए दोस्तों, तो आपको ट्रिपल आईआईटी कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों, ट्रिपल आईआईटी कॉलेज आपको मिल जाएगी। और अगर आपके परसेंटाइल 80 से 85% के बीच में आ जाए तो ट्रिपल आईआईटी मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और बात करें अब ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो 94 से 98% के बीच में बात करें तो सीएस ब्रांच आपको चाहिए तो 96% होनी चाहिए, ठीक है। और इन वाले को सीएस ब्रांच मिल सकती है दोस्तों। और 88 से 94% अगर है आपके तो इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच मिलेगी आपको, सीएस आप कह नहीं सकते इसमें, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ परसेंटाइल में, ये सब जो सीएस ब्रांच वगैरह आपको जो ये मैंने नाम बताया उसमें आप मनपसंद से आपकी कोई भी कॉलेज ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब 81 से 88% के बीच में बात करें तो ट्रिपल आईआईटी मिल सकती है दोस्तों, ट्रिपल आईआईटी मिल सकती है। एनआईटी फिक्स नहीं है इनके लिए, इनके लिए एनआईटी आपको मिलना मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए ट्रिपल आईआईटी मिल सकती है अगर 81 88% है तो। ट्रिपल आईआईटी अगर हैदराबाद चाहिए और इलाहाबाद चाहिए तो आपको 95% से ऊपर लाना होगा दोस्तों, ये भी आपको देख लेना है, 95% से ऊपर लाना है। और एससी के लिए 92% से ऊपर लाना है और एसटी के लिए 90% से ऊपर लाना है। अब अगर एससी की बात करें तो एससी के लिए जो 92% से ऊपर है तो आपकी सीएस ब्रांच फिक्स है इन कॉलेजों में। 88 से 90 के लिए सीएस ब्रांच, और इनके सीएस ब्रांच के बाद जो भी आएगी जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह वो इनके लिए फिक्स है, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 90+ सीएस ब्रांच मिल जाएगी, 90+ पे इनको सीएस ब्रांच मिल जाएगी। और 72 से अगर आप ऊपर हैं सीएसटी ब्रांच में तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको 72% से ऊपर है तो एसटी वालों को कोई ना कोई कॉलेज 100% मिल जाएगी दोस्तों। तो 80 से 90 के बीच में आपको मैकेनिकल वगैरह ब्रांच मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।